आप देख रहे हैं पार्थोशर समाचार सत्य परमो धर्म। आज चचला मूल निवासी सूरत धन राज टिकले ने चंद्रपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया कि उन्हीं के गांव का रहने वाला प्रवीण बोपटे मेरा दोस्त है और उनका अपना ट्रैक्टर है और वो है रेती का काम करता है। वहीं मूल निवासी संदीप आगले ने रेती घाट खरीदा है, वो बालू घाट से बालू लाकर ग्रामीणों को बेचता है। कुछ दिन पहले उसका पोकलैंड में रेत तस्करी का वीडियो वायरल होने के बाद से मैंने प्रवीण बोपटे ने उस वीडियो को शेयर किया। ऐसी उसे गलतफहमी है जिस वजह से वो हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है। दिनांक 25 सितंबर 2022 दोपहर 12:30 बजे संदीप आगले अपनी मोटरसाइकिल पर हमारे पीछे आए और मारने के लिए हाथ में पत्थर उठा लिया, गंदी गालियां देने लगे और हमसे मारपीट करने लगा, जिस वजह से मैंने कल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दी है। हमें उससे जान का खतरा है, इसलिए उस पर उचित कार्यवाही होनी चाहिए। महेश हजारे, प्रहार जनशक्ति पक्ष चंद्रपुर। सूरज धनराज टिकले राहणार मूल आणि त्याचाच मित्र प्रवीण बोबाटे ह्या दोघांना एक रेती घाटातील कंत्राटदार यांनी जीवे मारण्याची धमकी दिल्यावर त्यांच्यावर हमला केला। त्याचा उद्देश हाच होता की ह्या दोघांनी मी कुठेतरी ब्लॅकमध्ये विकत असलेली रेतीची कुठेतरी व्हिडिओ काढला आणि तो व्हायरल केला, ह्याच द्वेषभावनेमधून या दोघांवरती हमला केलेला आहे। संबंधित रितसर पोलीस स्टेशनला तक्रार द्यायला गेले असताना तिथे सुद्धा यांची वेळेवरती तक्रार न घेता यांना दोषी ठरवण्याचा कुठेतरी प्रकार संबंधित पोलीस प्रशासनाने केलेला आहे। आपल्या माध्यमातून, पत्रकार बांधवाच्या माध्यमातून आपल्याला एवढीच विनंती करतोय की आपण प्रशासनाला हा जाब विचारावा की हा जो ब्लॅकचा जो प्रकार होता या बाबतीमध्ये कुठे तक्रार आहे का आणि आपण कुठली कारवाई केलेली आहे का, या गोष्टीचा जाब विचारावा आणि ह्या ज्या दोन निष्पाप लोकांना कुठेतरी पोलीस प्रशासनाचं प्रोटेक्शन मिळावं एवढीच आपल्याकडनं एक माफक अपेक्षा आहे। धन्यवाद। महाकाली सेवा समिति की ओर से 1 अक्टूबर से चंद्रपुर में आयोजित महाकाली महोत्सव के अवसर पर बेटी बचाओ का संदेश देने के लिए नवरात्र पर्व के दौरान जन्मी कन्याओं को उपहार स्वरूप चांदी का सिक्का देने का निर्णय लिया गया है। माहेश्वरी सेवा समिति के सीए दामोदर शारदा ने घोषणा की है। माता महाकाली सेवा समिति की ओर से 1 अक्टूबर से भव्य 4 दिवसीय श्री माता महाकाली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत चंद्रपुर निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय विधायक किशोर जोरगेवार की ओर से माता महाकाली के भक्तों की ओर से की गई। पूरे राज्य में चंद्रपुर की देवी माता महाकाली की मूर्ति और उसके मंदिर की छवि बढ़ाने उत्सव में प्रसिद्ध जागरण कर गायक भजन समूह कथा वाचक भाग लेंगे। माता महाकाली सेवा समिति ने नवरात्रि पर्व के दौरान चंद्रपुर में जन्मी कन्याओं को बेटी बचाओ का संदेश देने के लिए चांदी का सिक्का उपहार में देने का निर्णय लिया। उसके बाद उक्त सिक्के देने की जिम्मेदारी माहेश्वरी सेवा समिति के अध्यक्ष सीए दामोदर शारदा ने स्वीकार की। उक्त सिक्के महाकाली महोत्सव के दौरान गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिए जाएंगे। माता महाकाली महोत्सव के आयोजक विधायक किशोर जोरगेवार ने 26 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक नवरात्रि पर्व के दौरान चंद्रपुर में जन्मी कन्याओं के माता पिता से महाकाली मंदिर या महाकाली महोत्सव सेवा समिति के मंडप कार्यालय में संपर्क करने की अपील की है। दिनांक 27 सितंबर को चंद्रपुर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता भरत गुप्ता और प्रतिमा ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे जब चंद्रपुर के दौरे पर आए थे तब हमारे कुछ राजनीतिक विरोधियों ने जबरन वसूली करने वाले पत्रकार राजू कुपडे के साथ आकर और कल काम कंपनी के एजेंट रत्नमाला चारे और मंगला लोनरे को हथियार बनाकर हमें गुंडा बताते हुए राज ठाकरे के सामने झूठे नारे लगाकर हमें बदनाम किया। ये लोग किस आधार पर ये लोग हमें गुंडा कह रहे हैं, ऐसा सवाल भरत और प्रतिमा ठाकुर ने किया। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि चाहरे लोनारे और अन्य प्रदर्शनकारी ने 2 दिन के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे अन्यथा हम इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। कलका वाले सोबत आपले मनसे वाले आम्ही त्यांची सर्व देले आहे, आम्ही आता तुम्हाला दाखवू शकणार नाही। आणखी रेकॉर्डिंग कुणी का करा लावला आहे आम्हाला कोणासोबत काही करायचं नाही। आमची वारंवार बदनामी करणाऱ्या लोकांनी जाहीर माफी मागली, त्यात आम्ही योग्य ती कारवाई करू। पत्रकार संघ मध्ये पत्रकार परिषद घेऊन एकच सांगू इच्छितो की मागच्या आठवड्यात कलकमच्या एजंट लोकांनी सायबर समोर जो आमचं नाव घेऊन त्यांनी नारेबाजी केली आणि पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी जे आम्हाला गुंड प्रवृत्तीचे म्हणून सांगितलं आहे आणि आमची बदनामी केली आहे, त्यांना आम्ही एकच सांगतो की त्यांनी आम्हाला गुंड कोणत्या बेसवर म्हटले आहे आणि या विषयावर त्यांनी 2 दिवसात जाहीररित्या जर माफी नाही मागितली तर आम्ही पण कानूनच्या बेसवर रितसर योग्य कारवाई त्यांच्यावर करणार। जर त्यांनी माफी मागितली तर त्यांना सोबत घेऊन आम्ही प्रयत्न करू। समोर अजून त्या कलकमच्या कंपनी डायरेक्टर कुठे भेटणार कसं होणार त्यांना आम्ही पूर्ण कॉपरेट करू आणि जर ते आपलं हे बाजार मांडून जे ठेवलं आहे ते तसं सुरू ठेवणार तर आम्ही त्यांच्या अगेन्स्टमध्ये कोर्टात जाऊ।
तुम्हाला असं वाटतं का कलकामच्या लोकांना तुमच्या पक्षाच्या काही लोकांनी भडकवलं? बिलकुल आमच्या काही पक्षाच्या लोकांचा तिथे हात होता, काही विरोधक आहे, आम्ही काम करत आहोत, आम्ही ऍक्टिव्ह पदाधिकारी असल्यामुळे कुठे ना कुठे लोकांना आमचा प्रॉब्लेम असेल त्यांनी त्यांना कॉपरेट केला, ते जे काही त्याच्याबद्दल आमच्याकडे पुरावे होते ते आम्ही वरिष्ठांना दिला आहे. आमच्या पक्षातले काही विरोधक आहे ज्यांनी हे पक्षाच्या अगेन्स्टमध्ये काम केलं त्यांच्यावरही लवकरात लवकर कारवाई होणार.